आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, एनर्जी से भरपूर अलसी तिल के लड्डू। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठंड में एक लड्डू रोज़ ज़रूर खाएं। इसे बनाना बहुत आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन को लो टू मीडियम आंच पर रखा, गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है, एक कटोरी अलसी ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए 3-4 मिनट तक भून लेते हैं। अलसी को 3-4 मिनट तक भूनने से इसमें सोधापन आ जाता है और इसकी नमी निकल जाती है। बराबर चलाते हुए 3-4 मिनट तक भून लिया, इसे निकाल लेते हैं। पैन गरम है, एक कटोरी काला तिल ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। बराबर चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लिया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन गरम है, एक बाउल मखाना ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए लो टू मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। 2-3 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पर भून लिया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी चीज़ों को ठंडा कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अलग अलग दरदरा पीस लेते हैं। मखाना ठंडा हो चुका है, जार में ऐड करके दरदरा पीस लेते हैं। ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। सभी चीज़ों को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई गर्म हो गई है, 1 चम्मच घी ऐड करते हैं। पाँच सौ ग्राम गुड़ लिया है, कढ़ाई में ऐड करते हैं। कढ़ाई में घी डालने से गुड़ कढ़ाई में चिपकता नहीं। गुड़ में 2 टेबल स्पून पानी ऐड करते हैं। लो टू मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को बराबर चलाते हुए मेल्ट कर लिया है। गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं, सिर्फ मेल्ट करना है। आंच को धीमा रखा है। 1 टेबल स्पून सोल्ट का पाउडर ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। 1 कटोरी नारियल का पाउडर ऐड करते हैं। पिसा हुआ काला तिल ऐड करते हैं। पिसा हुआ मखाना ऐड करते हैं। पिसा हुआ अलसी ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इंडक्शन को ऑफ कर दिया है, सभी चीज़ों को बराबर चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्का ठंडा कर लिया है, थोड़ा सा लेकर लड्डू तैयार कर लेते हैं। हाथ में घी लगाकर चिकना कर लिया इस तरह से। लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, इसे प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी लड्डू बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।